हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ शीर कोरमा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है, बिकॉज़ इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और ये बनाने में बहुत ही आसान है और मैं इसे शुगर फ्री बनाऊंगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच देसी घी। हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को रखना है लो फ्लेम पर और इसे गर्म होने देना है। अब मैं इसमें 1/3 कप और थोड़ा सा और ज़्यादा रोस्टेड सेवैयाँ डाल रही हूँ। इन्हें हमें रोस्ट करना है बिल्कुल धीमी आंच पे। आप देखेंगे इसका धीमे धीमे करके कलर चेंज होगा। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसे हमें और कुक नहीं करना है, हम अपनी गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे साइड में रख देंगे, इसे हमें बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है और इसमें 1 बड़ी चम्मच घी डालेंगे। ये कटे हुए बादाम हैं, ये काजू हैं, ये पिस्ता है, ये चिरौंजी है, ये किशमिश है और ये खजूर है। खजूर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। अब हमें अपनी गैस की फ्लेम को लो रखना है, बिल्कुल लो रखना है, वरना हमारे ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे और हम अपने सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करेंगे। मैंने थोड़े थोड़े बचा लिए गार्निश करने के लिए। आप अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने 8 खजूर लिए हैं और उन्हें चॉप कर लिए। अगर आपके खजूर जो हैं वो हार्ड हैं तो उन्हें 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए, उसके बाद उन्हें चॉप करिए, वो आसानी से चॉप हो जाएंगे। अब हमें अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है और इन्हें चलाते हुए भून लेना है। आप देखोगे इनका कलर धीमे धीमे चेंज होने लगेगा। ये देखिए इनका कलर डार्क हो गया है, ये अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम 3 कप दूध डालेंगे। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को रखेंगे मीडियम पे और इसे हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है, वरना जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो नीचे लग जाएंगे। तो हमें इसे कंटिन्यूस मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ, कुछ केसर डालूंगी। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है दूध में। हमें अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखना है और इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है जब तक कि जो हमारा दूध है वो रिड्यूस नहीं हो जाता है, थिक नहीं हो जाता है। तो हमें इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है। आप देखेंगे धीमे धीमे दूध का जो कलर है वो चेंज होने लगेगा। साइड से अच्छे से इसको निकालते हुए हमें दूध में मिक्स करते जाना है। ये देखिए दूध का कलर चेंज हो गया है और हमारा जो दूध है वो काफ़ी थिक हो गया है। आप देखेंगे इसका कलर ब्राउनिश हो गया है, वो क्योंकि खजूर जो हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं, घुल गए हैं और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से पक गए हैं। इसमें खजूर और किशमिश की स्वीटनेस आ गई है, तो हमें कोई शुगर डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब हम अपनी गैस को रखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे और जो हमने सेवैयाँ भुनी थी उनको हमें इसमें ऐड कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से मिक्स करके इसे पकाते रहना है। हमें इसको जब तक पकाना है जब तक कि जो हमारी सेवैयाँ हैं उस वो सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। हमें ओवर कुक नहीं करना है और कंटिन्यूस चलाते रहना है, क्योंकि हमारा जो दूध है वो थिक हो गया है और अगर हम इसे छोड़ेंगे तो ये नीचे लग जाएगा। तो हमें इसे कंटिन्यूस चलाते हुए पका लेना है। ये देखिए हमारी ये सेवैयाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। अब हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, हम इसे बंद कर देंगे तो ये बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं या फिर इसे 1 घंटे के लिए ठंडा करके अच्छे से चिल करके फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश किया। कस्टर्ड सेवैयाँ ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और मैं इसे शुगर फ्री बनाने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें हमें थोड़ा सा घी डालना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है, घी को गर्म होने देना है। घी गर्म हो गया है, इसमें मैं अब 1/4 कप सेवियाँ डाल रही हूँ, ये हल्की भुनी हुई सेवियाँ हैं। अब इसे हमें अच्छे से भून लेना है और हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पे रखना है। हमें इसे इस तरीके से चलाते जाना है। आप देखेंगे इसका कलर चेंज होने लगेगा। आप देख सकते हैं इनका कलर और डार्क हो गया है, तो ये अच्छे से भुन चुकी हैं। अब इसी पैन में मैंने थोड़ा सा
ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, आप अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और इसे हम हल्का सा भून लेंगे जिससे इसमें क्रंच आ जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। अब हम एक गहरा बर्तन लेंगे और इसमें 3 कप दूध डालेंगे। दूध आप उबला हुआ या कच्चा दूध कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम गाय का दूध लिया है। इस दूध को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। दूध गर्म हो चुका है, अब इसमें हम भुनी हुई सेमियां डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो पे रखेंगे और इसे हमें जब तक पकाना है जब तक कि जो हमारी जो सेमियां हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पकाया है। अब इसे हमें एक बार मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसे हम फिर से ढक देंगे और इसे पकने देंगे। ढकने से हमारी जो सेवियाँ हैं वो जल्दी पक जाएंगी, जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए जो हमारी सेवियाँ हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं, उनका साइज़ भी बढ़ गया है। अब हम इसमें मीठा डालेंगे। मैं शुगर फ्री बनाने वाली हूँ तो यहाँ पर मैं स्टीविया का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एक नेचुरल स्वीटनर होता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और ये डायबिटिक के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। हमें बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना होता है क्योंकि ये नॉर्मली जो शुगर वगैरह होता है उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा स्वीट होता है। तो आप थोड़ा सा भी डालोगे तो काफ़ी स्वीटनेस आपको मिल जाती है। यहाँ पर मैंने 2 छोटी चम्मच स्टीविया की यूज़ की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा क्योंकि इसमें नॉर्मल शुगर के कंपेयर में स्वीटनेस ज़्यादा होती है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। पर 1/4 कप नॉर्मल दूध लिया है और इसमें मैं 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे इसमें कोई भी लम्ब्स ना रहे, कोई भी गुठली ना रहे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम सेवई में ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे जो हमारा कस्टर्ड है वो सेमिया के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसे हम कंटिन्यूस चलाते हुए ही पकाएंगे जिससे होगा क्या, जो एक लेयर आ जाती है क्रीम की कस्टर्ड के ऊपर वो नहीं आएगी अगर हम इसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। हमें सेमी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये देखिए ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। तो अगर हम इसे और ज़्यादा पका देंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। तो हम अपनी गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हमें ठंडा कर लेना है। मिक्स करते रहना है और इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। अगर हम इसे मिक्स नहीं करेंगे तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी क्रीम की जो हमें नहीं चाहिए। इसको बिल्कुल ठंडा करने के बाद अब इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे हो गए तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक ग्लास और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी, मैंगो और ग्रेप्स डाले। आप अपने चॉइस के फ्रूट्स डाल सकते हैं। ऊपर से हम कस्टर्ड डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। इसके ऊपर फिर से हम फ्रूट्स डालेंगे। फिर से हम इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे। थोड़े से फ्रूट्स ऐड करेंगे। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जो हमने रोस्ट किए थे। दिखने में ही लग रहे हैं ना बहुत डिलीशियस, ये खाने में बहुत टेस्टी है। इसी तरीके से हम बाकी की प्लेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम कस्टर्ड डालेंगे। थोड़े से फ्रूट्स डालेंगे और ऊपर से इसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।